मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की सरकार मदद कर रही है, सरकार राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से कर रही है, कई लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिवपुर में बाढ़ की महाविभीषिका के बाद हमने राहत कार्य के लिए 12 विभागों और मंत्रियों की टास्क फोर्स टीम बनाई थी। लगातार हम लोग तीन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, पहली राहत, दूसरा पुनर्वास, तीसरा पुनर्निर्माण राहत वितरण का काम। फसलों के नुकसान का अभी मुआयना नहीं हो पाया है, उसके आकलन में समय लगेगा, लेकिन जो तात्कालिक राहत है वो दी जा रही है। अनाज का प्रबंध किया जा रहा है, जिनके मकान टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, उन मकानों का निर्माण करेंगे। इसके लिए भी लगभग 1,20,000 रुपये की राशि का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां न फैले इसके आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं, तात्कालिक आवास की सुविधा मिल जाए इसकी कोशिश की जा रही है। अभी पुनर्निर्माण के कामों में समय लगेगा, अभी सड़कें बिजली बहाल कर दी गई हैं, गाँवों में 2 दिन के अंदर बिजली बहाल हो जाएगी। सड़कें और टूटे पुलों को बनाने में समय लगेगा, लेकिन हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मित्रों, कल मैं श्योपुर कला और शिवपुरी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गया था। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि बाढ़ की महाविभीषिका के बाद हमने उस समय तो बचाव का काम किया था और बाद में 12 विभागों को संबोधित करते हुए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई थी और लगातार हम लोग तीन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, एक राहत, दूसरा पुनर्वास और तीसरा पुनर्निर्माण। राहत वितरण का काम तेजी से चल रहा है, कई लोगों से खाते में पैसा पहुंच चुका है, फसलों के नुकसान का भी नहीं पहुंचा, क्षति के आकलन में समय लगेगा, लेकिन जो तात्कालिक राहत राशि है वो अनाज का प्रबंध, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे, उसके लिए भी जो हमने तय किया था 1,20,000 रुपए की लगभग राशि, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां न फैले इसके आवश्यक उपाय किए गए हैं, तात्कालिक आवास की सुविधा मिल जाए इसकी कोशिश की गई है और अभी पुनर्निर्माण के कामों में समय लगेगा, क्योंकि सड़कें बिजली हमने बहाल कर दी। श्योपुर में केवल कल 5 गांव बचे थे जब पूरी तरह से बिजली बहाल नहीं हुई थी, उनमें से 2 गांव में आज बिजली बहाल हो जाएगी और बाकी में 2 दिन के अंदर बिजली बहाल हो जाएगी। सड़कें और पुल जो टूटे हैं तो टूटे हुए पुलों को ठीक करने में जरूर बनाने में समय लगेगा, लेकिन कनेक्टिविटी के भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।